तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फ़ोन को पानी में भिगा के, और उसके बाद मैं आपको इसमें कुछ ऑडियो फाइल्स प्ले करके दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये फ़ोन पानी में ख़राब नहीं होता। आइए देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा ये फ़ोन पानी में भिगने के बाद। तो मैंने नल खोल दिया और फ़ोन को पानी में भिगा रहा हूँ, और मैं अच्छे से भिगाऊंगा ताकि ये फ़ोन आपको यकीन आ जाए कि ख़राब नहीं होता पानी में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पानी जा रहा है, और उसके बावजूद भी कोई भी एप्लीकेशन अपने आप से नहीं खुल रही, ऐप्स मूव नहीं हो रही हैं, पेजेस फ्लिप नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट मेरा फिंगर भी रीड नहीं कर रही है स्क्रीन। क्योंकि कुछ फ़ोन होते हैं कि अगर आप पानी में उनको भिगो तो अपने आप एप्लीकेशंस खुलती हैं और अपने आप पेजेस फ्लिप होते हैं, पर इस फ़ोन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने इसके पोर्ट में भी पानी डाल दिया, स्पीकर में भी पानी डाल दिया है, मैं कैमरा में भी पानी डाल रहा हूँ इसके। हालांकि ऊपर से जब पानी डाल रहा हूँ तो पेजेस अपने आप फ्लिप हो रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने आप पेज खुल गया, ये मैंने नहीं खोला इसको, आप देख ही सकते हैं कि फिर से फ्लिप हुआ है पेज। पर अदरवाइज फ़ोन ख़राब नहीं होता इस चीज़ से, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप डरिए मत, आप फ़ोन को लेंगे अगर भीग जाए फ़ोन तो ख़राब नहीं होगा आपका। तो मैंने फ़ोन को काफ़ी देर पानी में भिगा दिया है, अब मैं आपको इस फ़ोन को चला के दिखाता हूँ। देखिए फिंगर सेंसर काम कर रहा है, ठीक है, और इसका टच भी काम कर रहा है, हालांकि मेरे हाथ गीले हैं इसलिए अभी टच बहुत स्मूथली काम नहीं कर रहा है, पर टच स्क्रीन काम कर रही है, एप्लीकेशंस खुल रही हैं, इनफैक्ट कैमरा भी खुल रहा है, फ़ोटो भी मैं खींच पा रहा हूँ, मैंने मिनिमाइज भी कर दिया इसको। और अब मैं आपको इसका मेन टेस्ट दिखाता हूँ, यानी मैं आपको इस फ़ोन को पानी में डिप करके दिखाऊंगा, 5 मिनट तक डिप करूंगा, और इसके बाद मैं इस फ़ोन में आपको इसका ऑडियो टेस्ट भी दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं कि पानी में कितनी देर सस्टेन कर पाता है। तो अब मैं आपको इस फ़ोन को पानी में डिप करके दिखाता हूँ। मैंने नल खोल दिया और पहले मैं इस लिड को क्लोज कर दूँ ताकि पानी भर जाए इसमें आसानी से, और अब मैं इस फ़ोन को यहाँ रख देता हूँ। मैं इस फ़ोन को 5 मिनट तक पानी में डिप करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा कि ये फ़ोन पानी में ख़राब नहीं होता। आपको बता दूं कि iPhone 7 और 7 प्लस दोनों ही IP67 प्रोटेक्टेड हैं, हालांकि सैमसंग गलेक्सी S7 IP68 प्रोटेक्टेड है, जो कि इससे थोड़ा बेहतर है। IP67 का मतलब होता है कि ये फ़ोन 30 मिनट तक 1 मीटर तक पानी में सर्वाइव कर पाएगा, और अगर आप IP67 और IP68 इन IP के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने IP67 क्या होता है उसके बारे में बनाया है। आप देख सकते हैं पानी का प्रेशर काफ़ी तेज़ है, पानी भर चुका है, उसके बावजूद भी फ़ोन में लाइट जल रही है। थोड़ा सा और पानी को भरने देते हैं, फिर उसके बाद मैं पानी को बंद करके 5 मिनट तक होल्ड कर दूंगा। काफ़ी पानी भर चुका है तो मैं नल को बंद कर देता हूँ, और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि फ़ोन ऑन है अभी भी। अब मैं 5 मिनट तक इस फ़ोन को पानी में पड़े रहने दूंगा, और उसके बाद आपको फ़ोन में एप्लीकेशंस और गाने खोल के दिखाऊंगा। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं हाथ हटा लेता हूँ, मेरा हाथ बहुत थक गया है, मेरे को लगता है कि आईफोन भी थक गया होगा, उसको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं और थोड़ी देर पानी को निकलने देते हैं। अब मैं आपको इसका होम बटन दबा के दिखाता हूँ कि फ़ोन ठीक से चल रहा है। मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, अब देख लीजिए कि होम बटन अच्छे से काम कर रहा है, टच स्क्रीन भी अच्छे से काम कर रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे हाथ गीले हैं और फ़ोन गीला है, इसलिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव नहीं है, पर उसके लिए क्या आपको यकीन आ जाए कि फ़ोन काम कर रहा है, मैं आपको इसकी स्क्रीन साफ़ करके, अपने हाथ साफ़ करके इसका टच रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। मैंने अपने हाथ भी साफ़ कर लिए और आईफोन को भी साफ़ कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि टच कितना स्मूथ है, मैं बहुत स्मूथली इस पर फिंगर यूज़ कर रहा हूँ और टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। पानी में भीगने के बाद भी इस फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ, सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं, सारी जगह में टच काम कर रहा है, कहीं भी मैं टच कर रहा हूँ ठीक से खुल रही हैं एप्लीकेशंस। मैं आपको एक डायलर भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इसके टच में कोई दिक्कत नहीं आई, इनके पोर्ट्स में पानी गया नहीं गया उसके लिए मैं आपको इसका ऑडियो टेस्ट कराता हूँ। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बफर करके रखा था, मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ।
तो ये बात है कि फ़ोन को पानी में आप भिगा भी देंगे, अगर गलती से आपसे फ़ोन पानी में गिर जाए तो फ़ोन को कुछ नहीं होगा। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस फ़ोन को स्विमिंग के टाइम मत ले जाएं, क्योंकि जब आप इस फ़ोन को स्विमिंग ले जाएंगे तो स्विमिंग पूल में काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं और सॉल्ट होता है, उसकी वजह से शायद इसके पोर्ट्स पे असर पड़ सकता है। पर अदरवाइज़ अगर गलती से ये फ़ोन आपसे पानी में छूट जाए तो इस फ़ोन को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फिर भी आपको इस फ़ोन को लेकर कोई क्वेरीज है तो आप इस वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जल्दी रिप्लाई करेंगे। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर पे मुझसे चैट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @ केशव खेरा। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।